समझ में नहीं आ रहा कि अब सुमति का विवाह होगा कैसे। विद्याधर जी, आप चिंता मत कीजिए, सुमति का विवाह धूमधाम से होगा। जितना धन चाहिए मिल जाएगा। विद्याधर जी, पुत्री अपना भाग्य स्वयं ही लेकर आती है। संभवतः सुमति के लिए ही देवमाता अदिति ने मुझे इतने अमूल्य उपहार के साथ विदा किया था। अब ये सब सुमति के विवाह में काम आ जाएगा। हमारे पास आप हार व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है देवी। सुमति केवल आपकी पुत्री नहीं है, मेरी भी पुत्री है। कहाँ है सुमति जी? वो जल लाने गई है। आ गई। बिल्कुल धरा का चंद्र हो तुम। किसी की बुरी दृष्टि ना लगे। गुरु माता, अब तो आप मिल गई हैं मुझे। अब किसका साहस जो मुझ पर बुरी दृष्टि डाले। और गुरु माता, मेरे तीनों भ्राता कैसे हैं? मुझे उनसे मिलना है। एक भ्राता शिव तो यही है, देवी क्षेत्र में है, उससे अभी मिल लेना। बाकी दो घर पे। प्रस्थान करते हैं? हाँ अवश्य। चलो सुमति। हठी बालक, तुम अभी तक देवी क्षेत्र छोड़कर गए नहीं। छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ दो अभी इसी क्षण। मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे देवी सेना को आक्रमण का आदेश देना होगा। आदेश देकर देखिए ऋषिवर। यदि आप देवी भक्त हैं, तो मैं भी देवाधिदेव महादेव का भक्त हूं। किसी से भयभीत नहीं होता। अब यदि आपने मेरे प्रभु के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो अति साक्षी है प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस का और शिव विद्रोहियों के विनाश का। नंदी जी, युद्ध नहीं। किंतु प्रभु, युद्ध समाधान नहीं, केवल विनाश।
संबंधों का, संबंधों के मूल्यों का, संबंधों के मधुरता का, यही मेरा विचार है और यही मेरा निर्णय। ऋषिवर, मैं अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आते हम आपके देवी क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। मैं आ गई शिव। घोर निंदनीय है ऋषि कात्यायन, एक अबोध बालक के विरुद्ध आपने पूरी सेना खड़ी कर दी। इसके लिए उत्तरदायी मैं नहीं हूं देवी, उत्तरदायी तो आप और आपके इस पुत्र की मायावी शक्तियां हैं। पुत्री मोहने, आपके विवेक को हर लिया है। मेरे विवेक को आप अपनी कसौटी से दूर ही रखिए देवी अनुसुईया, और अभी इसी क्षण देवी क्षेत्र छोड़कर चली जाइए, अन्यथा मुझे। देवी, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही इनके सारे सैनिकों का नाश करके इनके अहंकार को चकनाचूर कर देता हूं। नहीं नंदी जी, शिव के निर्णय के विरुद्ध जाना अनुचित होगा। हमारे लिए उचित यही है कि हम तुरंत क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। मैं सही कह रही हूं ना शिव? हां मां, यही उचित होगा। भ्राता, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब शेष दोनों भ्राताओं से भी शीघ्र मिलूं तो। दो नहीं, तीन कहिए बहन। तीन? परंतु मैंने तो सुना था कि गुरु माता के तीन पुत्र हैं। वस्तुता है तो तीन। तब एक और कौन है? मेरा मित्र मूड। उसे भी माने अपना ही पुत्र माना है। मूड, माँ, ये स्थान रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त है, क्यों ना हम यहीं पर रात्रि विश्राम कर ले माँ। अरे शिव, ये तो उत्तम विचार है। गुरु माता, क्या मैं इन मंजूषाओं को खोल सकती हूँ? मंजूषा में जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। अपने वस्तुओं को देखने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है।